प्रिंस आप सोच रहे होंगे कि हमेशा प्रिंस का जिक्र होता है और समोसे की मार ढूंढने में व्यस्त है। विनीत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बाजू में है सिटी कोर्ट में। प्रिंस का मानना पड़ेगा पता नहीं कहाँ कहाँ से यूनिक सी चीजें ढूंढ के लगे आता है। ड्रिल कर रहा था तो उसकी घर की दीवार गिरती है। मालिक अगेन विद आवर न्यू व्लॉग विद एमी इवेंट्स इंडिया। और इस वक्त सोनू जी और मैं बैठे हैं समोसा जंक्शन के बाहर। तो आपने सुना है कभी चिकन समोसे के बारे में? नहीं। चॉकलेट समोसे के बारे में? नहीं। मटन समोसे के बारे में? नहीं। सच में? बिल्कुल सुना मैंने भी नहीं था। और प्रिंस ने हमें बोला है कि यस इस तरह की वैरायटी समोसा जंक्शन में अवेलेबल है। और आज हमारा ये व्लॉग आप सभी के लिए है। एंड डू टेस्ट डिफरेंट 20 वैरायटीज ऑफ समोसास। सोनू जी तैयार हैं आप? यस ऑफ कोर्स। चलिए लेट्स गो। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो राइट नाउ आई एम इनसाइड समोसा जंक्शन। सभी समोसों का बाप। बाप? यस। माँ कहाँ है? माँ तो मालूम नहीं लेकिन मालिक से जरूर मिला सकते हैं। मालिक से आप मुझे मिलाने वाले हैं। सुबारन, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऑब्वियसली समोसा जंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? एक्चुअली आई हैड द समोसास इन फिरोजपुर, इट्स अ फ्रेंचाइजी मॉडल, सो आई हैड द समोसास इन फिरोजपुर, सो दैट क्लिक्ड मी दैट व्हाई कांट आई ब्रिंग इट हियर। सो आई थॉट टू ब्रिंग इट हियर एंड इट्स बीन 2.5 years दैट आई हैव ओपन द मॉडल। It took some time for the people to accept it. जी. Being a samosa economical thing that a 10 rupees samosa or 15 rupees samosa. Right. So it's taking a bit longer for the customers, but whosoever is liking the quality, they are coming back and they need the samosas whichever they want. So Varun, क्या खिलाने वाले आज आप हमें? आप क्या खाएंगी? Veg? Non veg? Non veg. Hardcore non veg. That's a great thing. Yeah. Samosas non veg ke fans hai hamare. Yes. So we do have non veg samosas. Right. Like sublime chicken. Mm-hmm. Don't go for the name. Mm-hmm. Sublime doesn't mean it has lime. Okay. Sublime is actually a dictionary word which means delicious. Delicious. Yes. Okay. And chili chicken samosa. Wow. Mutton samosa is there, and if you want to just try all the variety, then non-veg platter would be there. Great. Many size samosas are there, and 4 varieties are covered: sublime, chili chicken, Mexican style, and salami chicken. Other than these varieties, what all we have in non-veg? So we have recently brought up chicken Manchurian samosa, honey chili chicken samosa, and not to miss, it's the best thing which you can have: the butter chicken puff. Butter chicken puff. Yes. It has the chicken marinated in butter chicken gravy, okay. And it's a delicious puff. If you are fan of butter chicken, then we have launched this in samosa. आज तो पूरा मजा आने वाले हैं। बस आप खाने वाले बनिए, हम मजा देंगे। बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। So ये वरुण ने हमें इनका मेन्यू कार्ड दिखाया है जिसमें सारी वेराइटीज हैं समोसा की, इवन पफ के बारे में उन्होंने बताया है। एंड देयर इज अ प्लेटर, आई थिंक आप अगर आप चाहें तो हम प्लेटर के साथ शुरू कर सकते हैं ताकि हम चीजें टेस्ट कर पाएं। एंड दीज ऑल आर स्मॉल समोसास। या मिनी समोसा। और एनीथिंग व्हिच यू थिंक आपको हमें टेस्ट करवाना चाहिए तो हम आपके हिसाब से बिल्कुल चल सकते हैं। वी हैव एग वड़ा पाव एंड चिकन वड़ा पाव। व्हाटएवर यू लाइक, आपको जो आज लग रहा है कि आप हमें खिलाना चाहते हैं हम वेट कर रहे हैं तो आप। Sure. So let's have it. We'll wait till the time it is cooked. Okay guys, so ये new additions हैं जो वरुण ने मुझे इस वक्त दिए हैं। Chicken keema vada pav. So grilled veg sandwich, grilled pizza sandwich, sweet corn grill. Anyways, so now the main purpose of us to visit here is to have the non-veg samosa. So economical chicken bread pakora, small chicken stuffed bread pakora. There are different varieties. You can read it right now here. So ये हर एक variety, ये हर एक dish एक दूसरे से different है। आप इस अगर इस पे देखें समोसा and quick bites पे, so these are the new additions, guys. ओके दोस्तों, तो जब तक हमारा डिश तैयार हो रहा है यानी एग वड़ा पाव एंड चिकन वड़ा पाव, मैं जरूर अंदर जाकर देखना चाहूंगी कि किचन कैसा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट। यहाँ मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जो वेज सेक्शन है और जो नॉन वेज सेक्शन है वो दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। और मैं जानना चाहूंगी वरुण से कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। द रीजन बिहाइंड दैट बीइंग द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ मेनी पीपल, एज द टाइम दे नोटिस द मेन्यू एंड मेनी वॉक्स अप एंड से दैट यू मस्ट बी मिक्सिंग द ऑयल्स,
सो मैंने सोचा कि रिलीजियस बिलीफ्स कंसीडर करते हुए उनके साथ धोखा करना इज बैड, सो आई जस्ट थॉट टू चेंज द ऑयल्स फॉर बोथ, कीप देम सेपरेट. एंड प्लस मेरी मदर ने भी मेरे को कहा कि शी विल नॉट इवन एक्सेप्ट द समोसाज फ्रॉम माई शॉप इफ आई कीप देम मिक्स्ड. So that was the reason for keeping it separate. Really appreciating. So we're just waiting for our vada pav to be here, and we're gonna have it very, 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 very soon. The tasty vada pavs, and of course after that we're gonna have the samosa. कुछ कहना चाहेंगे आप? अब देखा जाएगा पहली बार जिंदगी में कि चिकन समोसा भी बनता है, मटन समोसा भी बनता है, चॉकलेट समोसा भी. इट्स अ डिफरेंट, सो अमेजिंग. पर इसका मानना पड़ेगा, पता नहीं कहां कहां से यूनिक सी चीजें ढूंढ के लेके आता है. इट्स अ डिफरेंट यार, आज कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है. ऑलराइट गाइस, सो आवर फर्स्ट डिश हैज बीन सर्व्ड, और ये वड़ा पाव है जो मुंबई में ऑब्वियसली हम खाते हैं. यानी कि जो एक्चुअल वड़ा पाव होता है, ये वो वड़ा पाव है जो आपने अक्सर खाया होगा, वेज वड़ा पाव. समोसा जंक्शन में येलो प्लेट इज फॉर वेज एंड रेड प्लेट इज फॉर नॉन वेज. सो अभी जो हमारे पास डिश है जो मैं अभी खाने जा रही हूँ, सोनू जी खाने जा रहे हैं. सॉस इन इट, दिस वड़ा पाव हैज बीन सर्व्ड विद हॉट गार्लिक सॉस. ये बहुत टेस्टी होने वाली है, सो आई कांट वेट इट. तो मैं मुंबई गई हूँ, मैंने मुंबई वड़ा पाव बहुत खाया. ये वाकई में बहुत टेस्टी है, वेरी 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 टेस्टी. गार्लिक सॉस बहुत बढ़िया है. Yum. No words? No words. Mumbai ki yaad aa gaya to. Same taste. Oh my god. Wow. So anyways, we have got all the different varieties on our plate. So now we will taste it one by one and we'll tell you how does it taste. Makhani stuffed chicken bread pakoda. Achha, naam bhi bade classy hai. Jaisa Zaike ki aapne baat kari, usse naam se bade, jo ye naam rakhe gaye hai Samosa Junction mein, bahut classy naam rakhe gaye hai. ये पफ बना है यहाँ पे समोसा जंक्शन में. समोसे हमारे पास आ चुके हैं, ब्रेड पकौड़ा आ चुका है, बर्गर आ चुका है. सो ये चार वेराइटीज हमने अभी आपको फिलहाल दिखाई दी, एंड दीज ऑल आर नॉन वेज बिकॉज इज इट सर्व्ड ऑन रेड प्लेट. सो ये जितना भी हम फूड इस वक्त खाने वाले हैं, दिस इज ऑल नॉन वेज. सो उन्हें शेफ बन चुके हैं, चिकन ब्रेड पकौड़ा इस वक्त वो काट रहे हैं, उसके पीसेस कर रहे हैं. सो वी आर जस्ट गोना हैव इट नाउ. दिस इज चिकन ब्रेड पकौड़ा एट माई हैंड राइट नाउ, और मैं इसे अभी खाने वाली हूँ. सो दिस इज इमली, दिस इज मिंट, and the other one is hot garlic. This is chicken keema stuffed mirch. ये अंदर आपको दिख रही है थोड़ी सी हरी मिर्च है यहाँ पर. So this is chicken keema stuffed mirch. Wow. Yum. Bread pakoda. So I really appreciate Varun because he brings different concepts and different ideas. He has that vision to, you know, serve his clients the best he can. That whenever I feel like having samosa, especially non-veg samosa, जो यहाँ सिर्फ समोसा जंक्शन में ही मिलता है, तो मैं जरूर यहाँ से ऑर्डर करने वाली हूँ, एंड आई विल हैव इट फ्रॉम हियर. वंडरफुल एंड सुपर डिलीशियस फूड, सीरियसली. सो दिस इज अ मिनी समोसा एंड इट इज स्टफ्ड विद चिकन, यू कैन सी, या इट्स ब्यूटीफुल. एंड कुछ वेज भी अंदर आपको दिख रहा है, अनियन है और शिमला मिर्च आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके अंदर. दिस इज एग वड़ा पाव. वी हैव ट्राइड टू मेक इट ऑथेंटिक, दो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ऑथेंटिक. महाराष्ट्रियन रेसिपी, वी हैव ट्राइड टू एट द सेम टाइम गिव इट अमेरिकन टेस्ट एज वेल बाय गिविंग आवर स्पेशल सॉसेस इन इट. And this is chicken keema vada pav, nice. So made in authentic Bombay style. So you can see that proper vada has been cooked. Wow. And we have marinated minced chicken vada. And in this we have egg vada. So this is the samosa, which is chili chicken platter samosa. Yeah, that's mini size. And जैसे कि आप सोनू जी के चेहरे पे लाली देख सकते हैं खाते हुए, एंड उन्होंने बताने के लिए थोड़ा सा ही छोड़ा है समोसा, बट आई गेस ये हनी चिकन समोसा खा गए हैं पूरा. सो एट्स ऑफ टू यू सोनू जी, कैसा लगा समोसा? अच्छा, लवली डिश. दिस इज बटर चिकन पफ, सो व्हेन यू विल ब्रेक इट यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ बटर चिकन इन इट, एंड डेफिनेटली द टेस्ट ऑफ बटर चिकन, यू कैन स्मेल द अरोमा ऑफ बटर चिकन एज वेल. दिस क्लियर दैट दिस इज अ प्लेटर साइज समोसा विच वी कॉल कॉकटेल समोसा. द चैलेंज विच वी आर फेसिंग एट दिस मोमेंट इज पीपल आर फाइंडिंग द समोसा स्मॉल. सो दीज आर वेट वाइज समोसा, समोसा वेज अराउंड 90 to 100 grams non-veg.
samosa. Okay. And veg samosa between 70 to 80 grams. So this is what we call cocktail samosa, and this is our standard size samosa. Easily a person can have 3 or 4. Four, hours. Yeah. Okay. Exception can be Sonuji. Sonuji, yeah, exactly. God gave you good health. And you keep on eating such samosas and all. Yeah. So sometimes non-veg samosas do have tendency develop cracks while frying. So that doesn't mean that these are burnt, but it's just the gravy which seeps in the oil and it gets burnt. But it's not out of the samosa. ये समोसे से बाहर नहीं निकली है. अगर crack है अभी तो ये properly cook हुआ है और बाहर नहीं आया है. Chicken keema pao. बड़ा पाओ चिकन कीमा. तो आप ये देखिए कीमा बिल्कुल ऑब्वियसली इसको प्रॉपरली चॉप किया गया जैसे कीमा होना चाहिए. ये दिस इज ऑल चिकन प्रॉपरली स्टफ बिकॉज ये मैं कॉर्नर वाला पार्ट है बिल्कुल मेरे हाथ में जो है एंड वाला पार्ट है ये सेंटर पार्ट है अगर आप देखना चाहें. सो ये स्टफ होना अच्छे तरीके से बहुत जरूरी है जो यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है जिस तरीके से स्टफिंग की गई है ये देखिए. एंड आई एम एक्चुअली This is egg vada pav. Let's start from the layer. So this is layer one. ये पतली thin layer है. Second, ये है stuff जिसके अंदर आपको egg दिखाई दे रहा है. Layer four and layer five. So मैं आपको ये खा कर बताती हूँ. Hot garlic sauce में दे. Yeah. Okay. Wait guys. मुझे words नहीं मिल रहे actually. टेस्टी के ऊपर डिलीशियस के ऊपर यमी के ऊपर. बट आप जब इसे खाएंगे ना देन यू विल ऑल्सो बी स्पीचलेस एक्चुअली इट्स दैट यम. सॉर्ट ऑफ क्वांटिटी बहुत अच्छी है. सो दिस इज बटर चिकन पफ व्हिच इज व्हिच आई एम जस्ट गोना हैव राइट नाउ. बटर चिकन का पूरा टेस्ट ये सब लंच चिकन है. ये मस्त है. ये आप खाओगे एक बार आप बोलोगे मेरे को यही खाना है. प्रभु खाए अति उत्तम. So this is honey chili chicken samosa. Absolutely look like the same. Yes, कि इसके अंदर honey chili chicken use किया गया है. ये पूरा stuff है और ये मैं खा चुकी हूँ. मैं अब और आप सभी को I'm gonna have this a little just to tell you how does it taste. वरुण जी हम तो नॉनवेज खाते हैं लेकिन जो वेजिटेरियन उनके लिए क्या डिफरेंट है. वेजिटेरियंस के लिए सबसे बड़ी बात इंडिया में क्योंकि अब फीलिंग्स इतनी है रिलीजियस बिलीव्स इतने हैं तो जैन पीपल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी कि भाई कहाँ से खाएं बिकॉज नॉनवेज जहाँ पर होता है दे कैन नॉट टेक रिस्क. बट फॉर जैन पीपल वी डू हैव समोसा चटपटा आलू मटर समोसा जिसमें लहसुन प्याज नहीं है. लिटरली व्हेन आई मीन टू से दैट इज ट्रू. उनके बिलीव्स को रखते हुए हम लोग उसको प्योर वेज तेल में भी फ्राई करते हैं. नो नॉन वेज तेल मिक्सिंग. वी हैव लाइक नूडल समोसा कचौड़ी समोसा एंड मंचूरियन पास्ता मिक्स वेज चीज चिली एंड रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड हनी चिली पोटैटो समोसा एज वेल. द नेम यू टेक आई थिंक मोस्ट ऑफ द समोसा समोसा जंक्शन विल हैव. And the same thing applies to the vada pav as well. So we have come up with vada pav, pav pakoda, a different bread pakoda as well. So you must give it a try to every samosa and every vada pav and bread pakoda as well. Nana spicy ho gaya. Ab maine aapke liye special sweet wala samosa. Chocolate samosa. Iski mujhe fragrance yahan tak aa rahi hai. Chocolate ki. It's yummy. It looks yummy and I'm sure it tastes yum too. And it looks delicious. So guys, ये चाकू मेरे हाथ में है और चॉकलेट समोसा इस वक्त मेरे सामने है. तो अब तक मैंने कभी अपनी लाइफ में स्वीट समोसा या चिकन समोसा अपने बर्थडे वाले दिन के कुछ दिन बाद काटने जा रही हूँ. मैं बिलेटेड बर्थडे थैंक्स करूंगी सोनू जी को. उन्हें मेरा बर्थडे याद था. उन्होंने मुझे विश भी किया. इवन एमी ने भी मुझे विश किया. हम उस दिन केक नहीं काट पाए साथ लेकिन आज फॉर अ चेंज लेट्स टेस्ट इट एंड लेट्स सी ये अंदर से कैसा दिखता है. Is it brownie inside it? Yeah. Wow guys, so it's looking so beautiful, yummy, delicious, tasty. The chocolate. Sure.
चलो क्रंची है। ओके गाइस, तो ये पूरे तरीके से आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने खा चुकी हूँ, उसका मैं कत्लेआम कर चुकी हूँ क्योंकि स्पेशलिटी ऑफ समोसा जंक्शन एंड दिस इज अ चॉकलेट समोसा फिल्ड विद ऑल ड्राई फ्रूट्स एंड देयर इज अ लिटिल ब्राउनी इनसाइड इट टू गिव इट अ थिक थिक स्टफ। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ऊपर ये चॉकलेट सिरप डाला गया है और ये टोटली आपको खा के लगेगा ही नहीं कि ये आप समोसा खा रहे हैं। इट टेस्ट लाइक कि आपको एक स्वीट डिश तैयार की गई, ऑब्वियसली ये समोसे से समोसा ही है और एक ये स्वीट डिश तैयार की गई है। डिजर्ट के तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं आफ्टर योर डिनर। अक्टूबर में मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो ऑब्वियसली हम हमेशा काटने के लिए केक ही ऑर्डर करते हैं, केक ही लेकर जाते हैं, लेकिन दिस टाइम फॉर अ चेंज मैं चाहती हूँ अपने बर्थडे पे ये समोसा काटे और ये उसके लिए चेंज होगा और आप भी अपने दोस्तों के लिए ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो दिस इज यम और हम ये जल्दी से इसको फिनिश करने वाले हैं। सुनो जी, मैं अपने लिए मैंने मंगाया ये गुड़ वाला और इसमें गुड़ डाला हुआ है और ये स्वीट समोसा नाम है इसका। इसमें देसी घी की खुशबू आ रही है। सभी समोसों का बाप। सो एनीवेज, प्रिंस आप सोच रहे होंगे कि हमेशा प्रिंस का जिक्र होता है लेकिन प्रिंस हमारे साथ नहीं होता है। तो प्रिंस ऑब्वियसली कल अपने घर का कुछ काम करा रहा था और ड्रिल मशीन ड्रिल कर रहा था तो उसके घर की दीवार गिर गई है। आई नो दिस इज दिस साउंड्स फनी बट वो ऐसी कुछ हरकतें करता रहता है। वो एक्चुअली हरकतें नहीं करता, वो बहाने बनाता है। हमारे वो कैमरा अवॉइड करता है, कैमरा में आना पसंद नहीं करता है तो शायद इस तरीके के बहाने बनाता है ताकि हम हंसते रहे और इज काइंड ऑफ फनी गाय। सो विल वेट फॉर हिम टू बी हियर विद अस इन आवर नेक्स्ट वीडियो गाइस, वी विल ब्रिंग हिम ऑन कैमरा फॉर श्योर। बिफोर वी लीव, यहाँ की लोकेशन आप सभी से मैं बताना चाहूंगी। दिस इज, वी आर एट सिटी कोर्ट, दिस इज जीरकपुर कालका हाईवे और आप सभी जानते हैं क्लॉक टावर आपको आते जाते दिखता है। एक बार फिर से मैं आपको यही बताना चाहूंगी। सो ये यहाँ पर लोकेटेड है एंड विनीत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बाजू में है सिटी कोर्ट में। सो डू विजिट हियर और यस, इट वाज अ रियली 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 ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज सोनू जी बिल्कुल ये पहली बार हमने नॉन वेज समोसा ट्राई किया है और मैं सच में दिल से आप लोगों को बोल रही हूँ कि इट इज वर्थ विजिटिंग एट समोसा जंक्शन। और वरुण काम में बिजी हैं क्योंकि उनको ऑर्डर आ रहे हैं काफी जोमेटो स्विगी से, सो ही इज बिजी देयर इन टेकिंग ऑर्डर्स। सो बिफोर दैट सोनू जी कुछ कहना चाहेंगे? यस बिल्कुल, अगर पूरे इंडिया में कोई समोसे का बाप है तो समोसा जंक्शन है। क्या बात है। सो वरुण, एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर वी लीव समोसा जंक्शन एंड विजिट अगेन? सोनू जी एक्चुअली अभी तक समोसे की माँ ढूंढने में व्यस्त हैं, वो पूरे टाइम पूछते रहे समोसे की माँ कहाँ है बट वी आर नॉट एबल टू टेल इट बट जेन्युइनली इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू गाइस हियर एंड एंजॉयड सर्विंग यू विद एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैड। I hope people also enjoy the way you enjoy it. That's all I have to say before you guys leave. Nice meeting you all. The team Emmy Events India with Samosa Junction and this is me, Nana and Sonuji signing off for the day. We'll meet you soon at our next vlog and that can be a surprise for everybody. And there is a possibility ki Prince hamare saath ho. We're waiting for him to be here. Take care guys. Mwah.